जनपद बदायूं के नगर बिसौली में दफ्तोरी रोड पर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव होने से वहीं आसपास खेतों में खड़ी आलू की फसल झुलस गई। इसकी किसानों ने एसडीएम से शिकायत की। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन किसानों की आलू की फसल प्रभावित हुई है, जिसकी शिकायत पीड़ित किसान ने कोल्ड स्टोरेज मालिक से की, लेकिन कोल्ड स्टोरेज मालिक ने आलू के नुकसान का मुआवजा देने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित किसान ने इस संबंध में एसडीएम ज्योति शर्मा से शिकायत की है। आज हमने एसडीएम बिसौली के लिए एक नोटिस दिया है। हमारी जो 15 तारीख में मासिक पंचायत होती थी उसको हमने 12 तारीख में रखा है। वो इसलिए रखा है कि यहाँ पे जो कोल्ड स्टोर हैं, इनके कोल्ड स्टोर जो मालिक हैं, इनका किसानों के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर जा चुका है। कहीं किसी कोल्ड स्टोर की गैस लीकेज हो रही है, किसानों के आलू नष्ट हो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, फटकार के भगा देते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी एक मीटिंग की थी, ऐसा सुनने में आया है कि 165 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से किराया लगाएंगे। हम एसडीएम मैडम को आज अभी नोटिस हमने दिया है और पंचायत के माध्यम से पहले कितना था ये किराया? पहले 100 रुपए, 105, 110 ऐसे रहा था, 115 तक। नोटिस के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि किसान का जो आलू स्टोर में नष्ट होता है उसका एग्रीमेंट कराएं अधिकारी कोल्ड स्टोर मालिकों से। मैं हमारे है ना, इनके अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस रिसाव हुई है, उसमें हमारे 26 बीघे आलू बिल्कुल बेकार हो गए, खत्म हो गए। लगभग 19.5 लाख रुपए का नुकसान है और है ना, ये कोल्ड स्टोर वाले मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं साहब, वो ना मुआवजा दे रहे हैं, उनसे बात करिए, झगड़ा फसाद को और तैयार कर रहे हैं वो। उसमें है ना, अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर के मालिक शरद गुप्ता, अनिल कुमार अन्नी और शशिकांत और बंटी, ये सब लोग झगड़ा करने को तैयार हो गए जब हमने इनसे बात करी। और है ना, हमारे बिल्कुल खेत में कुछ रहा ही नहीं, और एसडीएम साहब सुबह आज मौके पर पहुंची थी और है ना, नायब तहसीलदार पहुंचे और लेखपाली पहुंचे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।